ममता में जिले के ग्राम पीपलछेड़ी में नहाने गई दो बच्चियों के तालाब में डूबने से मौत होने का मामला सामने आया। बता दें कि दोनों बच्चियों की उम्र 12 साल बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ग्राम बसी निवासी बच्ची ओमलता यादव गर्मी की छुट्टी में अपने रिश्तेदार के घर आई थी, जो अपनी हम उम्र दिवाली यादव के साथ नहाने के लिए गाँव में स्थित छोटे बांध में गई थी। इसी दौरान दोनों नहाते समय गहरे पानी में चली गई। पानी गहरा होने के कारण दोनों बच्चियां डूब गई। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल दोनों बच्चियों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां पर डॉक्टर ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। ग्राम पीपरछड़ी के ग्राम प्रमुख के द्वारा सूचना दिया गया था कि दो नाबालिग बच्ची बांध में नहाते वक्त डूबकर जो है अचेत हो गई है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाए थे। तो डॉक्टर साहब के द्वारा चेक करने पर दोनों बच्चियों को मृत घोषित किया है और अभी सूचना मिलने पर मर्ग जांच पंचनामा कार्रवाई चल रही है। अभी पीएम के बाद जो है अगले जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। एक बच्ची बाहर की है, बालोद जिला अंतर्गत रहने वाली है, तो कभी पंचनामा कार्रवाई के बाद और पीएम के बाद उनके मृत शरीर को भिजवाया जाए।